अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाली है? क्योंकि आज की मोबाइल मैं आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ मोबाइल फ़ोन्स के स्कैम। पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन किस तरह आप लोगों के साथ स्कैम कर रही हैं, और आप लोग जो है पाकिस्तानी भोले जो है मोबाइल फ़ोन खरीद सकते हैं। भोले भोले इंसान है, वो मोबाइल जब खरीदने जाते हैं तो वो बिल्कुल पागल बन जाते हैं, ठीक है। मोबाइल फ़ोन की कंपनी के हाथों पागल बनाए जाते हैं किस तरीके से, तो आज की वीडियो फुल डिटेल के साथ मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ दो मोबाइल का, ठीक है। एक है जी वीवो का, दूसरा है इन्फिनिक्स का, ठीक है। आप लोगों को दोनों का डिफरेंस आप लोगों ने खुद बताना है। मोबाइल है वीवो का Y18, ठीक है, सॉरी Y18 आप ले लें, और जो दूसरा आप ले लें इन्फिनिक्स का Heart 40, ठीक है। Heart 40 वीवो का Y18, दोनों का आप लोग देखें कि प्राइस टैग में देखें, Y18 और Heart 40 दोनों सेम प्राइस में आते हैं। अगर आप बात करें वीवो के Y18 जो है 6128 है, और जब वो जो है 8256, वाह, यहाँ पर पाकिस्तानी भोले बन जाते हैं। 8256 मिल रहा है उसी प्राइस में, हम 6128 क्या करेंगे, ठीक है। एक बात ये हो गई, दूसरा उसमें प्रोसेसर लगा हुआ है G85 वीवो में, ठीक है, और इन्फिनिक्स में लगा हुआ है G99। वाह, ये तो यार बहुत ज़्यादा आला मोबाइल बन गया। इसमें प्रोसेसर भी अच्छा है, रैम रोम भी अच्छा है। अच्छा, आगे चलते हैं। बैटरी दोनों की 5000 है, उसमें देखें फास्ट चार्जिंग 15 वाट है वीवो में, और जी इन्फिनिक्स में 33 वाट। वाह, पाकिस्तानी भोले इंसान जो है वो सोचे बिना इन्फिनिक्स ख़रीद लेते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि इस मोबाइल में जो बड़े बड़े लगे हुए हैं, प्रोसेसर भी, फास्ट चार्जिंग भी, बैटरी भी 5000 है, 8256 भी है, और हमें क्या चाहिए, ठीक है। यहाँ पर बात हम नहीं छोड़ते, आगे आप देखें। वीवो में कैमरा 50 मेगापिक्सल, इन्फिनिक्स में 64 मेगापिक्सल। वाह भाई वाह, यहाँ पर तो इन्फिनिक्स ने मार गया। लेकिन मैं आपको बता दूँ, इन्फिनिक्स के मोबाइल और वीवो के मोबाइल सेम प्राइस में आते हैं, ठीक है, सेम प्राइस में आते हैं, इसमें इतना डिफरेंस क्यों है, क्यों इतना डिफरेंस है? आप लोग खुद सोचें कि वीवो वही फ़ीचर जो है आप लोगों को 10,000 महंगा दे रहा है, ठीक है, वही फ़ीचर इन्फिनिक्स 10,000 नीचे क्यों दे रहे हैं? आखिर क्या है, आप लोग खुद दिमाग लगाएं। वीवो या ओप्पो या सैमसंग या रेडमी, ये आप लोग देखें, इनके जो मोबाइल हैं थोड़े महंगे होते हैं वही फ़ीचर देने में। इन्फिनिक्स, टेक्नो, आईटेल, वीगोटेल, ये नीचे क्यों दे रहे हैं आप लोगों को कुछ पता है? क्योंकि ये उनकी जो अंदर माल लगा हुआ है वो सब फेक लगा हुआ है, ठीक है। इन्फिनिक्स के मोबाइल आप ले लें, वीगोटेल के ले लें, टेक्नो के ले लें, 2 साल से ज़्यादा ये चलते नहीं है, ठीक है। 2 साल में कोई ना कोई इशू इनमें आ जाता है। आप लोग 2 साल पुराना आप लोग इन्फिनिक्स का कोई मोबाइल देखें, वो अब तक नहीं चल रहा होगा। वीवो, रेडमी जो है, ओप्पो, सैमसंग के आप मोबाइल देखें, 4-5 साल तक भी वही सेम कंडीशन में चल रहे होते हैं। क्यों चल रहे होते हैं? क्योंकि उनमें जो चीज़ें लगी होती हैं अच्छी लगी होती हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट यही करूँगा कि इन्फिनिक्स, टेक्नो और जो है वीगोटेल, आईटेल मोबाइल मत खरीदें, ठीक है। आज की वीडियो अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कर दें, और कमेंट बॉक्स में बताएं मेरी कौन सी बात गलत थी, कौन सी सही थी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है।